देखिए हमारे गांव के बाज़ार में ऐसे ही मछली मिलती है। देखिए इसमें देसी रोहू भी मिल गई है हमको, इसी में से हम एक आध मछली खरीदते हैं फटाफट। लेठी देसी तोला भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। दोस्तों चल रहे हैं बनाने देसी रोहू मछली, ज़बरदस्त मछली बनाएंगे आज। ताकि मछली एकदम देसी मिली थी, एकदम ताज़ी मछली मिल गई थी, तो अलग स्टाइल में बनाएंगे। ये अपना लग गया है सेटअप इधर। तो देखिए मछली को भी धुल के एकदम साफ कर लिए हैं, नमक और नींबू से साफ किए हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त मछली लग रही है धुल के। तो चलो मसाला पहले तैयार करेंगे, क्या क्या मसाला हमारे पास है वो तो आज एक नए हिसाब से बनाएंगे, नए तरीका से बनाएंगे हम। तो इधर ले लिए हम एक मिक्सर जार, देखिए इसमें क्या क्या डालते हैं हम। इसमें जाएगी 3 प्याज छोटी छोटी काट लिए हैं, ये गए मिक्सर जार में। और इसमें जाएगा अब लहसुन की मात्रा ज़्यादा रहेगा, लहसुन अदरक और हरी मिर्च। तो हरी मिर्च तीखा के हिसाब से आप ले लीजिए। देखिए अब इसमें जाएगा जीरा और काली मिर्च। अब इसका एक हम पेस्ट बनाएंगे, चलते हैं फटाफट पेस्ट बना लेते हैं। तो देखिए पेस्ट बन गया मसाले का। अब इसको हम इसमें पलटेंगे एक भगोले में, भगोले में बड़ा बर्तन में पलटना है। ताकि अभी इसका जो है और भी आइटम दिखाते हैं कैसे बनाना है इसका मसाला। तो पहले ये वाला मसाला हम निकाल लेते हैं, देखिए ये एकदम साफ कर लेते हैं फटाफट हम। इसमें जाएगा मीट मसाला, गोश्त मसाला, जो भी आपके पास मसाला हो, चिकन मसाला या मीट मसाला जो भी आपके पास हो घर पे, वो आप डाल सकते हैं। इसमें डाल दिए, उसमें जाएगा, देखिए जार में पानी लगा के रखे थे जो मसाला वसाला एकदम रेडी हुआ था, प्याज वगैरह। अब इसमें पूरा पानी जाएगा, देखिए ये इसको बनाएंगे एक घोल, ये देखिए। अब इसको अच्छे से मिलाना है, देखिए घोल बनाना है इसका मसाले का, ये देखिए। तो देखिए बन गया, इसको रखते हैं साइड में। अब हम चलते हैं फटाफट गैस जलाते हैं। गैस जला दिए, अब कढ़ाई रखते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो गई, इसमें डालेंगे सरसों का तेल। हवा बहुत तेज चल रही है तो मछली फ्राई करने के लिए पहले हम सरसों का तेल डालेंगे बस। तो तेल को बढ़िया से हीट करेंगे पहले, मतलब कि गर्म करेंगे अच्छे से। तो तेल हमारा गर्म हो गया, मछली देखिए फ्राई करेंगे अब फटाफट, ये देखिए। तो आराम से तेल में डालेंगे, छोटी छोटी पीसेस डालेंगे पहले हम। इसको अब 2 मिनट ऐसे छोड़ देना है, कुछ इसमें कलछी नहीं लगाना है अब। तो देखिए मछली हमारी आराम से एक तरफ फ्राई हो रही है, देखिए नीचे तरफ। अभी कलछी नहीं लगाएंगे, सिर्फ दिखा रहे हैं हम, देखिए। तब इसको छूना नहीं है, देखिए अभी निकलेगी नहीं है। एक तरफ फ्राई हो जाएगी तो ऑटोमेटिक हमारी मछली पलट जाएगी। तो इसको अभी हम जो है 1 मिनट और फ्राई करेंगे हम। तो देखिए एक तरफ मछली हमारी फ्राई हो गई है, तो आराम से हम धीरे धीरे देखिए हटाएँगे, ये देखिए आराम से छूट जा रही है। अब इसको हम पलटेंगे दूसरी तरफ, देखिए ये इसी तरह हम सारी मछली को, ये देखिए फ्राई करेंगे। अब इसको थोड़ा सा, जैसे एक मछली में दोनों चिपक जाती है, थोड़ा सा जो है इसको इस तरह हम फ्रा के इसको भी पलटेंगे। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी मछली फ्राई हुई है, आराम से पलट गई है, ज़्यादा कुछ लगा नहीं है। देखिए इसको एक तरफ और फ्राई करेंगे अच्छे से, इसमें भी करीब हमको 2 से 4 मिनट लगेगा फ्राई करने में। तो चलो इसको भी चेक करते हैं दोनों तरफ फ्राई हुई कि नहीं हुई। देखिए हिल रही मछली हमारी, मतलब कि फ्राई हो गई है। देखिए ये वाली अभी नहीं हिल रही है, फ्राई नहीं हुई, ये देखिए ये फ्राई हो गई दोनों तरफ से, देखिए कितना ज़बरदस्त। चलो इसको हम सब चेक कर लेते हैं मछली को। तो ये अभी कम फ्राई हुई है, हम थोड़ा डार्क फ्राई करते हैं, मतलब कि एकदम लाल कर देते हैं फ्राई करके, ये देखिए। तो ये वाली हो गई है, इसको हम थोड़ा साइड करेंगे, इसको हम और पकाएंगे। देखिए देखिए ये भी फ्राई हो गई हमारी दोनों जो भी थी, ये देखिए। अब फटाफट हम पहले निकालेंगे ये वाली, ये एक थाली में निकालेंगे, इसकी आवाज़ देखिए पहले, ये देखिए इसको भी हम निकालेंगे अब। यदि मछली हमारी सारी फ्राई हो रही है तो फटाफट निकाल लेते हैं। इसको भी निकाल लेते हैं हम, मछली सारी फ्राई हो गई हमारी ये वाली फर्स्ट राउंड की, देखिए
ये देखिए कितना ज़बरदस्त मछली फ्राई हुई है। तो चलो फटाफट हम देर नहीं करते हैं, सारी मछली हम फ्राई कर लेते हैं। तो डाल दिए दूसरी राउंड, फटाफट हम जल्दी सब फ्राई करते हैं, उसके बाद ग्रेवी तैयार करते हैं हम। तो देखिए दूसरा राउंड भी हमारी मछली पलट दिए हैं, फ्राई हो रही है, ज़बरदस्त पीस डाले हैं, 20 वाली पीस डाले हैं जिसमें बहुत कम काटा होता है। तो बाकी इधर भी फ्राई करके रखे हैं, अभी ये फ्राई करना ही है तो हम ज़्यादा देर नहीं करेंगे ताकि हमको ग्रेवी बनाने में काफ़ी समय लगेगा, तो ग्रेवी अलग हिसाब से हम बनाएंगे। तो फटाफट इसको हम फ्राई करते हैं। देखिए मछली को बढ़िया फर्स्ट क्लास फ्राई कर लिए हैं, एकदम करारी मछली रेड कलर का फ्राई किए हैं, लाल लाल एकदम। तो उसी तेल में हम कुछ तड़का वगैरह डालेंगे, उसके बाद हम इसकी ग्रेवी तैयार करते हैं ज़बरदस्त। कि उसी तेल में हम डालेंगे काली वाली सरसों, सरसों का दाना। तो देखिए सरसों चटकने लगा बढ़िया से, लेकिन चटक आ रहा है सरसों में, इसको थोड़ा हल्का और चटकाएंगे हम। ये देखिए इसका खुशबू आने लगा सरसों वाली। अब ये जाएगा पूरा मसाला, जो मसाला हम तैयार करके रखे थे। अभी मसाला बचा है, पहले एक बार इसको हम चला लेते हैं अच्छे से, उसके बाद फिर से मसाला डालेंगे हम। तो मसाले कलर देखिए, अभी मसाला तुरंत पड़ा है और तुरंत कलर चेंज हो गया है। इसको हम ढकेंगे, आराम से पकेगा मसाला हमारा। देखिए ढक दिए, अभी आराम से मसाले को हम पकाएंगे। तो एक मिनट ऐसे ही हो गया, इसको फिर से हम खोलेंगे मसाले को। देखिए मसाले को इतना भूज देना है, एकदम कम करना है मसाला भूज के। इसको भूजने में हमको करीब लगेगा 10 मिनट मसाले को। तो देखिए इसे भूजते रहेंगे धीरे धीरे हम, और ज़रूरत पड़ेगा तो हम ढक्कन को फिर से हम लगा देंगे। तो प्याज इसमें पड़ी थी, प्याज भी पीसे थे, तो मसाले साथ में हम पका रहे हैं तो मसाला जलेगा नहीं, ताकि प्याज हम पीस कर डाले हैं। तो इसे हम पकाएंगे मसाले को, अभी 2 मिनट के लिए फिर ढक दिए हैं और आराम से ढक ढक के हम इसको पकाएंगे। इसको खोलेंगे हम, देखिए मसाला कहाँ तक पहुँच गया, इसको नीचे देखिए लग रहा है, इसको छुड़ाएंगे हम। ये देखिए तो हल्का सा पानी और डालेंगे हम, हल्का से मुश्किल से बस। तो इसको अच्छे से देखिए भूजना है। तो ये वाली रेसिपी जो आज हम बना रहे हैं मछली की, तो हमारे बगल में रहते हैं मुजफ्फरपुर बिहार से इस्लाम भाई, तो हमारे घर पे वो मछली बनाए थे, तो हम खाए थे, बहुत टेस्टी लगी थी। और उनके घर की मछली हमारे घर पे आती थी, हम खाए हैं कई बार उनके घर से, मम्मी बना के भेजती थी उनकी, तो हम खाते थे, बहुत टेस्टी लगती थी। एक दिन ऐसी बात हो गई कि भाई मछली तुम अपने बना के हमें खिलाओ और हम भी अपना जो है सीख लेते हैं थोड़ा सा, तो हमको बना के खिलाए थे। तो देखिए मसाला एकदम भूज गया है, अब इसमें थोड़ा सा मेहनत और है, देखिए कैसे क्या मेहनत है। तो हम थोड़ा सा हल्का से इसको पानी को डालेंगे मसाले में, हल्का से देखिए इस तरह। तो गैस को थोड़ा स्लो करेंगे अब, देखिए अब हम मछली मिलाएंगे, जो फ्राई मछली थी हमारी उसको मिलाएंगे। अब इसमें कलछी बिल्कुल नहीं मारना है, जैसे इस्लाम भाई बनाए थे वैसे आज हम बना रहे हैं। इसमें डालेंगे देखिए मछली, ये देखिए इसमें सारी मछली जाएगी। अब इस्लाम भाई सेम ऐसे ही बनाए थे, बहुत टेस्टी लगी थी हमें, मछली बनाना हम भूल गए, अब ऐसे ही बनाएंगे हमेशा खाने के लिए हम, क्योंकि मछली मुझे बहुत पसंद है। तो देखिए मसाला कैसे मिलाना है, कान टूट गया इसका, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए मसाला कैसे मिलाना है, ऐसे पकड़ेंगे आराम से इसको, ये रख दिए, और इसमें थोड़ा सा पानी हम और डालेंगे हल्का से, ताकि मछली हमारी मसाले के साथ में मिल जाए। ये अब हम आराम से इसको ऐसे पकड़ के देखिए, ये देखिए
ये देखिए उछाल उछाल के इसको टोस्ट करके देखिए मस्त मिलाना है। ये कितना ज़बरदस्त मछली मिल गई है सारे मसाले में, और जहाँ पे मसाला नहीं पहुँचा है वहाँ से थोड़ा थोड़ा मसाला लेकर के ये मछली के बीच में हम भरेंगे। देखिए देखिए जो मसाला बगल लगे कढ़ाई में उसको हम इसमें भर देते हैं। ये देखिए ये इस तरह जो है मसाले साथ में मछली को अलछी नहीं लगाना है, तो सिर्फ मसाला हम निकाल रहे हैं कढ़ाई से। देखिए इस तरह मछली में कलछी में बिल्कुल नहीं लगाना है, अभी आराम से मसाले के साथ में मछली को भूनना है, मसाले के एकदम जो है पका देना चाहिए। ये देखिए हमारे कढ़ाई में कहीं भी जो है कोई मसाला चपक नहीं रहा, देखिए देखिए ध्यान से देखिए, ये देखिए ये तो इसी तरह जो है इसको बीच बीच में घुमा घुमा के ऐसे ही हमको टोस्ट करना है। तो फिर से एक बार आपकी लास्ट हो जाएगा, ये देखिए ओहो खुशबू ज़बरदस्त आ रही है, कोई भी हमारी मछली जो है देखिए कढ़ाई एकदम साफ है। ये देखिए ये देखिए ये देखिए, अब बोलिए ग्रेवी कैसे बनाना है वो भी दिखाते हैं। देखिए इस तरह एकदम बढ़िया से, थोड़ा मेहनत लगता है भाई इसमें, देखिए फिर से इसी पर मसाला एकदम पका के एकदम सौंधापन इसमें आ गया है। देखिए अभी इसको हम एक मिनट और इसे ही पकाएंगे हम, ये देखिए ये एक बार में पलट गई मछली पूरी, देखिए एक बार टोस्ट किया मछली सब ऊपर आ गई। इसी तरह एक बार हम और टोस्ट करेंगे, अब नीचे वाली मछली जितनी भी थी एक ही बार में इसे हम टोस्ट किए आगे ऊपर, इसको भी हम देखिए टोस्ट कर लिए। ये देखिए ये चलो इसमें धीरे धीरे लिए डालेंगे पानी, इसमें अब थोड़ा सा कलछी लगाएंगे, देखिए जो मसाला भर भर लगे हैं ये भी छूट जाए, और मछली को थोड़ा सा ग्रेवी में डुबा देंगे। देखिए ये देखिए मछली पक भी गई थी, और मसाले के साथ में हम इसको बढ़िया से रोस्ट किए हैं, ये हल्का हल्का नीचे से लगा देंगे हम। ये देखिए ये और थोड़ा सा हम पानी और डालेंगे, बस देखिए पानी डाल दिए अब हम, अब इसमें जाएगा स्वाद के हिसाब से नमक, बस इसको आराम से हम धीमी आंच पे मस्त करीब 5 मिनट पकाएंगे, और नमक को थोड़ा सा जो है इसको ऐसे आराम से हिला देते हैं। देखिए इसकी ग्रेवी अभी देखिए कितना ज़बरदस्त बन के रेडी होगा हमारा ये फिश करी। तो चलो इसको हम इसे आराम से अब धीमी आंच पे ढकेंगे, एकदम धीमी आंच पे ढकेंगे, आराम से ये पकेगा ताकि मछली अब टूटेगी नहीं, ताकि इतनी बढ़िया से हम इसको फ्राई किए हैं और रोस्ट भी किए हैं। तो देखिए मछली पक रही है, अब इसको हम लगाएंगे ढक्कन, और आराम से धीमी आंच पे इसको हम 5 से 7 मिनट तक इसे छोड़ देते हैं, उसके बाद धनिया भी अपना रेडी करते हैं। इधर अपनी धनिया भी आ गई है देखिए, और इसको गैस को करेंगे बंद, तो फटाफट धनिया डालते हैं और इसका कलर और रंग दिखाते हैं कैसा बना है, तभी ढक्कन खोलते हैं फटाफट। तो चलिए दिखाते हैं आराम से, गैस को कर दिए थे बंद, देखिए कलर कितना जबरदस्त आया है मछली का। इसमें जाएगी अब हरी धनिया, ये हरी धनिया इसको हल्के हाथ से मिलाना है धनिया को, ज़्यादा तेज मछली को चलाना नहीं है। अब ये देखिए इसे ही ग्रेवी में मिला देना है, और जब निकालेंगे तो ऑटोमेटिक जो है सब में आ जाएगी प्लेट में, तो इसको थोड़ा सा देखिए इस तरह मिलाना है,
तो खोद देंगे अगर तो मामला गड़बड़ा जाएगा, मतलब कि चला देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए कितनी जबरदस्त ग्रेवी बनी है, देखिए ग्रेवी आ जाओ भाई। ये तो चलो इसको ढक देते हैं 2 मिनट के लिए, उसके बाद फटाफट सलाद वलाद काटते हैं, प्याज वगैरह, और खाने के लिए चलते हैं। तो चलो प्याज व्याज काटते हैं, अपना खाने के लिए तैयार करते हैं। आ गए खाने के लिए, देखिए हमारा इधर आ गया है कढ़ाई मछली वाली, तो इधर पूरा एकदम रेडी हो गया है, खोल के दिखाते हैं। इधर सलाद भी पत्तल भी लग गया है, तो चलो फटाफट इसको ढक्कन ओपन करते हैं। तो खोलते हैं, देखिए इसकी ग्रेवी कितनी ज़बरदस्त और मछली रेडी हुई है। ये देखिए, तो देखिए चलिए निकालते हैं प्लेट में खाने के लिए, तो आराम से पीस निकालेंगे। देखिए तो इधर से निकालें, यहाँ से, यहाँ से भी नहीं, इधर से साइड से। ये देखिए आराम से, ये थोड़ा सा ग्रेवी, तो मुंडी भी निकालेंगे दूसरी प्लेट में। ये देखिए दोस्तों, देखिए निकाल लिए इधर अपना जो है पीस करी और रोटी। तो चलते हैं शुरू करते हैं, थोड़ा सा चेक करते हैं कैसा बना है मछली और ग्रेवी। बहुत जबरदस्त है, एकदम स्वादिष्ट है और चटपटा भी है, तो बहुत स्वादिष्ट बनी है भाई। पहले ग्रेवी में लगाएंगे, उसके बाद फिर अब काटा कैसे निकलना है देखिए, इसको बनाएंगे इस तरह। एक काटा और भी आ रहा है भाई, इसको हल्का से निकलना पड़ेगा। अब आगे देखिए, वाह भाई